अभिनेत्री कनुप्रिया पंडित ने प्रिया की मां मीरा सूद की भूमिका निभाई है। जी हां दोस्तों, चार बेटियों की देखभाल करते हुए वह एक खुशहाल जीवन जीती हैं। शो में प्रिया के पति ने उसे इसलिए छोड़ दिया है क्योंकि उसकी चार बेटियां थीं। इसके साथ ही शो में आखिरकार लंबे समय से इंतज़ार के बाद अपनी बेटी प्रिया की शादी के सपने को जीते हुए मीरा अपने इमोशनल को हैंडल करती नज़र आएंगी। अपने चरित्र और शो के वर्तमान ट्रैक के बारे में बात करते हुए कनुप्रिया साझा कहती है कि सूद परिवार अपने जीवन में ऐसे मोड़ पर है जहां अचानक से परिवार में कुछ नया हो रहा है। दोस्तों, इससे पहले हमने देखा कि प्रिया के पिता महेंद्र सिंह सूद राम और प्रिया के खिलाफ साजिश रच रहे थे। महेंद्र सिंह सूद न सिर्फ राम कपूर और प्रिया की शादी के खिलाफ थे बल्कि अक्षय और शिबिना की शादी के खिलाफ भी साजिश कर रहे थे। जी हां दोस्तों, इस शो में ये दिखाया जाता है कि पैसा मुख्य आकर्षक नहीं है। राम वास्तव में एक अच्छा इंसान है। वह जो कुछ भी करता है, जिस तरह से वह विभिन्न परिस्थितियों में प्रतिक्रिया करता है, वह तारीफ काबिल है। बता दें कि सोनी टीवी का लोकप्रिय शो बड़े अच्छे लगते हैं। टू दिलचस्प ट्विस्ट और टर्न के साथ दर्शकों का मनोरंजन कर रहा है। शो में जैसा कि हमने पहले बताया कि मीरा प्रिया और राम की शादी उनके द्वारा चुने गए समुदाय हाल में करने की इच्छा व्यक्त करती है। और दोस्तों, आपको आगे बताते चलें, राम फिर से प्रिया का दिल जीत लेता है जब वह नंदिनी को छोड़ मीरा को चुनता है और प्रिया की मां सम्मान करता है। बाद में राम प्रिया की बेकरी में आता है और देखता है कि वह ग्राहक से बदतमीजी बात कर रही है। वह उसे चिढ़ाता है और याद दिलाता है कि जब उसने शिवी की सगाई के दौरान ऑर्डर करने के लिए फ़ोन किया था तो उसने उसे कैसे डांटा था। प्रिया को मुलाकात की याद आती है। बाद में वह संगीत समारोह में राम द्वारा किए गए हर काम के लिए धन्यवाद देती है। तो दोस्तों, ये था आज का एपिसोड। पसंद आया तो लाइक करना, कमेंट करना और अपने यार दोस्तों में शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना। जब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।